अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हानियाज़ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़रदा, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल। जो लोग कुकिंग में इतने माहिर नहीं हैं वो भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट 2 कप्स मेजरमेंट के बासमती राइस, जो लॉन्ग ग्रेन राइस होता है, वो लिया है। और इसे करीब करीब आप तीन से चार घंटे इसे अच्छे से भिगो कर रख लीजिए। अच्छा, अब एक बर्तन में हम पानी लेंगे एंड थोड़ा सा इसके अंदर हम जर्दे का कलर ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये आपकी चॉइस है। अगर आप कलर ना डालना चाहें, अगर आप अवॉइड करते हो तो आप ना डालिए इसके अंदर कलर। अच्छा देखिए, जर्दे का जो परफेक्ट कलर था वो मेरे पास भी नहीं था, तो मैंने इसमें क्या किया है, थोड़ा सा ऑरेंज और थोड़ा रेड मिक्स करके इसे जर्दे का जो परफेक्ट कलर होता है वो दिया है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं इलायची ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा ज़ाफ़रान। तो जब हमारा पानी उबलने लगेगा, इलायची और ज़ाफ़रान और जर्दे के कलर वाला, तब हमने जो चावल सोख करके रखा होता वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इसे अच्छे से उबाल लेंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि इसमें आपको चावल लो, जो हम बिरयानी की तरह 80% कुक करते हैं, उस तरीके से नहीं पकाना है। लगभग जो है आपके चावल से 95% तक, या से 92 to 95% आपका चावल अच्छे से पक जाना चाहिए। बिकॉज़ एक बार जब शक्कर या मीठा चावल पर पड़ेगा तो चावल गलना बंद हो जाएगा। सो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि चावल जो है आप अच्छे से कुक कर लीजिए। क्यों, बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि जर्दे का चावल जो है वो बड़ा ही कड़क सा हो जाता है। सो वो अवॉइड करने के लिए आप चावल को अच्छे से पका लीजिए। अच्छा, अब जो चावल हमारा करीब से देखिए आप 92% के करीब हमारा चावल जो है वो अच्छे से पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे स्ट्रेन कर लेंगे, यानी जितना एक्सेस वाटर है उसे आप फेंक लीजिए और चावल को आप छन्नी में रख लें। अच्छा, ये वाला स्टेप जो है आप सबसे पहले भी करके रख सकते हैं। यहाँ मैंने पैन में घी डाला हुआ है और जितने नट्स हमें इसके अंदर डालने हैं वो हम घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सूखा हुआ खोपरा लिया है, बादाम लिया है, पिस्ता और काजू। आप अपनी मर्ज़ी के और भी नट्स ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप इसमें किशमिश डाल सकते हैं एंड देखिए वैरायटी बहुत है, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल लीजिए। बस अच्छे से आप भून लीजिए आपके जो नट्स हैं उसे। अच्छा, नेक्स्ट हमने जिसमें इसे दम देना है उस बर्तन में हम क्या करेंगे, घी ऐड करके उसमें हम इलायची डाल देंगे। और हमने जितना चावल लिया है हम सेम अमाउंट जो है शक्कर का ले लेंगे। तो हमने एक पतीली रखी है, उसके अंदर हमने घी डाला है, उसके अंदर इलायची डाल दी है। और जितना अमाउंट हमने दो कप हमने चावल लिए थे तो 2 कप हम इसमें शक्कर डाल देंगे। अच्छा, उसी के अंदर जैसे आप देख सकते हैं मैंने दही डाल दी, करीब से 1/4 कप जो है मैंने इसके अंदर दही डाल दी है हमारे इस शक्कर के ऊपर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप शक्कर को गलने तक का हम वेट करेंगे। अब लेमन जूस देखिए, करीब आप समझ जाइए कि 1.5 टेबल स्पून जो है इसके ऊपर हमने लेमन जूस भी डाल दिया ऑब्वियसली, ताकि हमारा शुगर जो है वो क्रिस्टलाइज ना हो। अब साथ ही मैंने इसके अंदर ये सेम हमारे जो चावल का मेजरमेंट, जिस बर्तन में हमने चावल मेजर किया था, कप सेम मेजरमेंट से ही हम कर रहे हैं, वो 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमारा पानी अच्छा सा, शुगर एंड वाटर जो है वो अच्छा सा बॉईल हो रहा है। इसे आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट बॉईल करना है। एक तार वाली चाशनी नहीं तैयार करनी है, जिसे आप देख सकते हैं इसके तार नहीं बन रहे हैं। बस ये अच्छा सा, हमें ये पता चल रहा है कि एक अच्छा सा सिरप तैयार हो गया है हमारा, दैट इज़ इट। सो 4 से 5 मिनट आप शुगर और वाटर को बॉईल करने के बाद में चावल आप इसमें ऐड कर दें और आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यानी ये समझिए कि जो आपने चाशनी तैयार की है, जो आपका शुगर सिरप है, वो सारे चावल के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए, दैट इज़ इट। आप उसे जो है अच्छे से बड़ी ही प्यार से उसे मिक्स कर लें और जितने ये नट्स हैं आपके आप उसके ऊपर उसे डाल दीजिए एंड दैट इज़ इट। आपको बस अब उसे ढाक कर जो है इसे दम पर उतनी देर तक पकाना है जो रही सही कसर है और जो चाशनी है हमारी वो पूरी सूख जानी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई, नट्स डालने के बाद में हम इसके ऊपर ज़ाफ़रान जो है मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ था और उसमें 2 बूंद मैंने केवड़ा भी डाला हुआ था। केवड़ा इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आपको डालना है तो आप डालें, वरना ज़ाफ़रान की भी अपनी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ज़ाफ़रान वाला पानी जो है आप इसके ऊपर डाल दीजिए एंड अब हम इसे ढक कर बिल्कुल ही लो फ्लेम पर इसे हमें रख देना है पकने के लिए। अब देख रहे हैं कैसे साइड से वो जो हमारा शुगर सिरप है वो बबल होना स्टार्ट हो रहा है। सो अब इस स्टेज पर देखिए कितना सिरप, देखिए उसके अंदर अभी भी सिरप है, वो पूरा सिरप जो है हमारे चावल में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए।
तो अब हम इसे रख देते हैं करीब, फिर भी जो है 10 से 15 मिनट आराम से लग जाएंगे। और मैं आपको दिखा देती हूँ, 15 मिनट्स हो गए थे एंड मैंने इसे बंद करके मैंने 5 मिनट्स का इसे रेस्ट टाइम दिया था। और ये देखिए चावल अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा और कितना हर दाना जो है चावल का अच्छा खिला खिला है और एक साथ में चिपका हुआ नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि वो सख्त भी नहीं है, चावल हमारे ऐठे हुए नहीं है जो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, वैसा भी नहीं है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। एंड इस जर्दे को जो है आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आप बड़ी आसानी से बन जाएगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा एंड आप जिसे भी खिलाएंगे उसे भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। टिल देन आप खुश रहिए, इंजॉय कीजिए, अल्लाह हाफिज़।